सीधा नीचे एकदम। मैं आराम से आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी आराम से आ रहा हूँ। गाइस अपना वेट, अबे राइट साइड को रख अपना वेट, आराम से। ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और अभी हम जस्ट कोटद्वार वाले हाईवे पे हैं, थली सेंड टू कोटद्वार हाईवे। और यहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल है माँ दीवा का। और काफ़ी टाइम से हमारा प्लान था कि हम इस चोटी पे हाइक करेंगे, इसकी टॉप पे जाएंगे। मतलब अगर आपको दिख रहा होगा तो ये काफ़ी ख़तरनाक चोटी है, नीचे देख सकते हैं आप, बड़ा ही ख़तरनाक व्यू है। और पीक्स को मतलब जाना, पीक्स को फाइंड करना एक न्यू टाइप का बन रखा है हमारा आजकल, एक बोल सकते हैं गेम या फिर एक मतलब एडवेंचर बन रखा है। और पीक देखो भाई तुम, कितनी खड़ी पीक है। पर हम रास्ता उस साइड से हम रास्ता खोजेंगे और देखते हैं कैसा कैसा होता है। गाइस अरुण और मेरे को एडवेंचर बहुत पसंद है, हमने काफ़ी पीक्स कर रखी फाइंड, हमने पीक्स फाइंड किए, हमने पानी जहाँ से आता है मतलब गदेरों का मतलब साथ चलना कि पानी कहाँ से आ रहा है और कैसी कैसी यहाँ मतलब अंदर अंदर की घाटियाँ कैसी कैसी है। जैसे आप ये देख रहे होंगे तो यहाँ कैसी घाटियाँ हैं अंदर, तो काफ़ी हमने एक्सप्लोर किया है। और इसी एक न्यू सीरीज़ में, एक नए व्लॉग में हम इस वाली पीक को मतलब जो मेरे जस्ट पीछे, उस पीक को आज हम फाइंड करने वाले हैं। और ये हमारे साथ अरुण। अगर हम इस वाले पहाड़ से ऊपर चढ़ेंगे तो आसान हो सकता है क्या, देखते हैं। और आजकल बाज बहुत दिख रहे हैं भाई आसमान में, एक बाज अभी उड़ा जस्ट, वो चला गया। यहाँ से ऊपर का रास्ता देखते हैं। हाँ यार, हाथ पे एक कुछ हथियार टाइप को पकड़ ले, मैं भी एक हाथ पे तोड़ता हूँ, यहाँ से एक लकड़ी तोड़ता हूँ जरा भी। एक सीन देख रहे हो भाई लोग, सीन देख रहे हो, मज़ेदार वाले सीन हो रखे हैं। और एक और पीक आज हम फाइंड करने वाले, इनमें से इनमें बहुत सारी पीक्स फाइंड कर रखी है। और अभी हम मतलब मैं और अरुण 2 महीने घर में है, मतलब अरुण 2 महीने घर में है ना, बहुत सारी पीक्स हम फाइंड करने वाले हैं। और इसी मोड में हम एक और पीक फाइंड करने वाले हैं दोस्तों आज। बहुत टाइम से सोच रहा था मैं, बहुत बहुत टाइम से मैं इस पीक के बारे में सोच रहा था कि यार ये पीक फाइंड करनी है। जब भी हम इस रास्ते जाते हैं बाइक से तो बहुत टाइम से कि ये पीक फाइंड करनी है। पर आप देखो भाई, यहाँ चढ़ाई देख रहे हो, ये देखो ये बाज का पंख भाई, खतरनाक है एकदम। अभी एक बाज उठ रहा था ऊपर से एकदम खतरनाक स्टाइल में, वो नाइस भाई साहब, वर्थ इट है यहाँ पर। भाई देख रहे हो पीक्स, देख रहे हो कितनी प्यारी प्यारी पीक्स है भयंकर। अभी हम थोड़ा और ऊपर चढ़ेंगे, फिर हम वहाँ से आगे की तरफ को जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ एक्चुअल में क्या है और कैसा है। वो देख रहे हो बाज, वो हवा में उड़ रहा है बाज, दिख रहा होगा अगर तुम्हें तो, बादलों के पास से जा रहा है। और अभी थोड़ा सा हमें डर का आवाज हुआ क्योंकि जो ये जंगल है ये बहुत मतलब है, मतलब थोड़ा जानवरों वाले जंगल है। और पौड़ी के सारे जंगल ऐसे हैं कि जहाँ तुम्हें तेंदुआ भालू हर चीज़ मिल जाएगी। और ये तो उसकी टेरिटरी है, मतलब यहाँ पे बहुत दिखते हैं, मतलब यहाँ पे तो झुंड के पाए जाते हैं। और यहाँ से जस्ट हम जैसे यहाँ पे आए तो हम यहाँ से जंगल में एंटर करने वाले थे, पर जंगल आगे का इतना घना लग रहा था ना कि हम एंटर कर ही नहीं पाए आगे। पर फिर भी थोड़ा सा तुम्हें दिखाता हूँ, अभी हम करेंगे एंटर, मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसके लिए कॉन्फिडेंस। चलो चलो अभी चलो यार, अभी चले, चल ठीक है, चल चल ठीक है यार, चल ठीक है, चलो आराम से, चल इजी, चल इजी हो गया, चल कोई दिक्कत नहीं है। और कैसा सूखा यार, यहाँ से बिल्कुल पेड़ है, बिल्कुल ऊपर साइड पूरी चट्टाने हैं। और इस साइड के लिए पेड़ है, इस साइड के लिए बिल्कुल चट्टाने हैं। तो हम अब सोच रहे हैं उस पीक पे जाएं, इधर कोने कोने से जाएंगे हम तो। भाई
गाइस हम दोनों ने चीट कोड लगा रखा है, लीव मी अनोन का। गाइस आराम से लें, आराम से टाइम आराम से। हां अपना अपना वेट राइट साइड रख, जाना है क्यों नहीं बताया अपना वेट। अबे राइट साइड को रख अपना वेट, आराम से चल। भयंकर भाई भाई खतरनाक खतरनाक खतरनाक। ये देखो भाई नीचे यहाँ से जाने वाला पैर चलता है भाई। वो चोटियाँ कितनी बड़ी लगती है देखो, डाउन में आ गई सारी। आज गिरेगा तो वाले तीन दिन बाद नहीं पहुंचा भाई साहब। वहाँ रोड से हम देखते थे इस चोटी को, भयंकर यहाँ देख रहे हो। बैठते हैं कुछ खाते हैं। कौन से वाले पे? यहाँ पर आई थिंक अच्छा रास्ता है। उस थप्पड़ पे जाने का हो है रास्ता? आगे पे रास्ता है वैसे यहाँ पर तो। देख जरा रास्ता है यहाँ से नीचे के लिए। अरे है रास्ता है, तुम चलो। फक भयंकर है रास्ता। अगर हम हौले हौले चलेंगे ना। चल 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 तू चल चल आराम से चल। अपना वेट पीछे साइड रखना, आगे मत रखना वेट। ओके हाँ चल। हाँ लगता है उसको कोई बढ़िया सा सीन दिख गया यहाँ से, और हमें भी देखते हैं कि कैसा सीन दिखता है इस चोटी से। जस्ट हम इस चोटी पे पहुँचने वाले हैं। अरे भाई ब्यूटीफुल। ओ भाई अब देख रहे हो हम उस चोटी से ऐसे खड़ी चढ़ाई भी आ रहे थे, कितनी पथरीली और कितनी खतरनाक चोटी है भाई। नाइस चलो वहाँ नीचे पे। कहाँ नीचे? अब कितना नीचे? पहले खा लेते हैं यहाँ पर, देखा तो ऊपर से यार। अच्छा चल ठीक है चल। आराम से चल यार, आराम से चल। तभी तो बोल रहा है इसके ये घास के अंदर पत्थर होंगे भाई, आराम से चल। ये देख रहे अच्छा हुआ पैर पे चोट नहीं लगी तेरी साले। ऑलराइट दोस्तों अभी हम खा रहे हैं थोड़ा सा माल्टे और नमक नूड पिसा हुआ नूड, और अभी हम थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, माल्टे वल्टे खाते हैं, उसके बाद हम थोड़ा एक दो पीक्स में और जाएंगे। और हम टाइम से बहुत जल्दी आ गए तो हम यहाँ पे रुके रहेंगे, शाम का वेट करेंगे, देखेंगे कि शाम को जब पूरी हाइलाइट्स कम हो जाती है ना, मतलब नेचुरल हाइलाइट्स, तो फिर पता चलता है कि मतलब घाटियाँ कैसी दिख रही है, तो मज़ा आता है फिर देखने में। फ़िलहाल हम इंतज़ार करेंगे थोड़ी देर, फिलहाल हम थोड़ा माल्टे मुल्टे खा लेते हैं। तो भाई कैसे हो रहे माल्टे? माल्टे तो बढ़िया हो रहे हैं, मैंने ला रखे हैं। तूने ला रखे हैं, बढ़िया हो रहे हैं। अरे ये कैसे हो रहा है? नमक बेकार हो रहा है, तुमने ला रखे हैं। काफी मस्त हो रहा है यार। अच्छा हो रहा है नमक भी मस्त हो रहा है। गाइस बेहतरीन, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता इस टाइम पे। नहीं 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 हो सकता। हमारे पास बहुत माल्टे, 4-5 माल्टे हमारे पास, हम खूब खाएंगे, खूब दबा के खाएंगे। नाइस दबा के खाएंगे, नाइस खाना। माल्टे हम दबा के खाएंगे आराम से। तो अभी हम थोड़ा सा डाउन उतर गए वहाँ पे से, हम सोच रहे थे हम जाने के लिए कोई दूसरे वाले से जाएंगे रास्ते से, मतलब जो रोड दिख रही है हमें वहाँ पे जाना है। अब देखते हैं अगर यहाँ से रास्ता मिला तो इसी रास्ते जाएंगे, वरना यहाँ से इधर इधर से होते हुए रास्ता देखेंगे कि कहाँ से हमें रास्ता मिलेगा जाने को। हम फिर से वापस जा सकते हैं बट कोई बात नहीं, हमने कहा हम फिर एक चक्कर पूरा मार देंगे ऐसे में ना, इस बोला पूरी चोटी का पहाड़ी का, तो हम फिर इधर से जा रहे हैं। चल तू फोटो खींच से पहले, आराम से तू खींच। नाइस आगे के सीन दिखाता हूँ मैं तुम्हें, वो देखो भाई साहब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल सीन से यार। भयंकर रोड बड़ी प्यारी दिख रही है यहाँ पे से। हाँ भाई चलें, चलो 3-4 ईगल आ गए वहाँ पे, देखो तुम्हें दिख रहे, गैंग लेके आ गया वो अपने साथ में।
दो के दो बराबर हो गए, और वो शायद हमसे ये कहना चाहता है कि भाई हमारा इलाका है, पर कोई बात नहीं भाई, हम तो सिर्फ घूम रहे हैं, कौन सा कि तुम्हारे घोंसलों में घोंसला बना रहे हैं या फिर कुछ। वो देखो वो चल 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 चल, ये मेरा एरिया वाला, मेरे एरिया में कोई इंटरेस्ट नहीं करने वाला। इधर से चला, ये क्या है? अरे आराम से चल भाई, यहाँ पर रास्ता बना हुआ है। यहाँ रास्ता, यहाँ पे रास्ता है, मतलब ये रास्ता कहीं जा सकता है रोड तक। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या व्यू है, यहाँ से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ से क्या व्यू है। अरे भयंकर, किसी की अगर जीने की इच्छा खत्म हो गई ना तो काफी बेहतरीन उसके लिए स्पॉट है गाइस। पर ऐसी बातें ना बोले, ऐसी बातों को बढ़ावा नहीं देंगे हम ब्लॉग्स में। नहीं नहीं, लोकेशन नहीं बताएंगे ना उसको। हाँ, उसको हम लोकेशन बताएंगे नहीं। तो ये रास्ता हम इधर साइड से आ गए, तो अब ये रास्ता हमें लेके जाएगा उस रोड तक। रोड के लिए काफी आसान रास्ता है। चल चल चल, क्या करना है? वापस जाना है रोड पे? करना क्या है? अभी ऊपर ही आना हमने, वहाँ पे करना क्या है? रोड पे जाके हमने अभी बैठ जाते हैं, आगे पीछे एक्सप्लोर करते हैं और आगे पीछे देखते हैं कुछ और। लोग वो जो चोटी है ना, वो वाली चोटी, उससे हम उसके बैक साइड से हम ऊपर चढ़े, फिर हम इस चोटी से ऊपर ऊपर, और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी चोटी है, फिर देन वहाँ से नीचे, और हम रोड पे आ गए। फिलहाल काफ़ी घूम जा रहे, काफ़ी घूम लिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ से अब क्या करें? अभी टाइम तो है, एक आगे चलते हैं। आगे एक तप्पड़ दिख रहा है मेरे को, वहाँ अभी ये बोल रहा है आगे एक तप्पड़ दिख रहा है, तो हम आगे भी थोड़ी सी, अभी हमारे पास टाइम काफ़ी है, तो हम एक और छोटी सी हाइक ले सकते हैं जस्ट यहाँ से आगे की। हाँ, वनों की आग से सुरक्षा करें। सीमा प्रारंभ, पश्चिमी अमेली रेंज। तो ये पश्चिमी अमेली रेंज है, पूर्वी अमेली रेंज दूसरी साइड को है। अपनी इच्छा से देख लें ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, थोड़ा आसपास भी देख लें सेफ्टी से। थोड़ा सा खुली जगह दिख रही है, शायद यहाँ से आगे का एक बढ़िया सा व्यू पॉइंट हो सकता है। नहीं अरुण, और है भाई साहब, यहाँ पे व्यू पॉइंट है, आराम से चलें, आगे कुछ है भी नहीं। और हाँ, ये वाला तप्पड़ दिख रहा था ना, और यहाँ पे भी एक अच्छा सा पिकनिक स्पॉट है, बड़ी प्यारी वहाँ, ये वाली लोकेशन बहुत प्यारी है आगे वाली। पर हमको यहीं नहीं रुकना है, अभी हमको आगे जाना है। जा सकते हैं आगे, ऊपर जा सकते हैं हम, तो अभी हमारे पास टाइम है, तो हम और हाइक करेंगे ऊपर के लिए। ऐसे होते हैं भाई, वैसे पहाड़ी जीते ना, कब कहाँ पहुँच जाएँ पता नहीं चलता, मतलब तो हमें भी नहीं पता चलता हम कब कहाँ पहुँच जाते हैं। आराम से चलें अरुण, हाँ आराम से। खाई तो है यार नीचे हल्की सी, पर उतनी ज़्यादा भी नहीं है कि, पर आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से फिर भाई मेरे को ऐसे फॉरेस्ट देख के ना इतना डर लगता है ना भाई, इतना डर लगता है मेरे को ऐसे फॉरेस्ट देख के, एकदम घना फॉरेस्ट भाई है ना भाई साहब। ऐसा मत बोल रहे, टावर तो आ रहे होंगे ना, पर भाई ये हम फॉरेस्ट के अंदर फिर से भयंकर। पहुंचने वाले बस जहाँ ऊपर धूप आ रही है, तो काफ़ी बहुत ही प्यारा ट्रैक है। अरे हमारे मेन ब्लॉगर और मेरे फोटोग्राफी के मॉडल, हाँ आराम से ख्याल रख। हो अरुण, अगली वाली पीक पे मारना पड़ेगा हमें, उस पीक पे मारनी पड़ेगी हमें हाइक फिर से। अच्छा, पीक के बाद पीक और पीक के बाद पीक भाई। तो भाई लोग एक बहुत प्यारी पीक पे पहुंच के देख रहे हो, यहाँ से नीचे डाउन डाउन और पूरा डाउन। उस वाली पीक पे थे हम, जस्ट जो दिख रहे हैं उस वाली पीक पे थे हम, और बहुत बढ़िया व्यू है भाई आके, बहुत प्यारे व्यू आ रहे हैं। डाउन तो एकदम खतरनाक है रूम है, यहाँ पर हाँ
डाउन तो खतरनाक है। यहाँ पर घिसकोटी खेलने के लिए बड़े। हाँ वैसे खेलने के लिए ठीक है, कोई खेले घिसकोटी तो खेल लेगा, पर फिर भगवान ही मालिक है भाई। छाव में बैठेंगे थोड़ा सा, इस पेड़ की छाव में बैठेंगे थोड़ी देर, बॉडी बहुत गर्म हो गई चल चल के। सो अभी हम देखते हैं कि यहाँ का व्यू कैसा है, और थोड़ा सा पहले ड्रोन को हम टेक ऑफ कराते हैं। थोड़ा सा हमने ड्रोन उड़ाया और उससे हमें पता चला कि हम काफ़ी हाइट पे हैं, मतलब डाउन में, और इस साइड के जंगल कैसे हैं और इधर के जंगल का स्ट्रक्चर क्या है। तो काफ़ी देर हम यहाँ पे रुके, तो अभी हमें लगा कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। अगर हमें सनसेट देखना है तो हमें रोड के आसपास या फिर कहीं और दूसरी जगह पर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर से बाद में हमारे लिए रात को अगर शाम को निकलेंगे तो घना जंगल पड़ेगा, तो है ना रोड, तो इसलिए हम घना जंगल अभी पार कर लेते हैं। इसी रास्ते आए थे हम, इस पेड़ पर, इसी रास्ते आए थे हम ना इधर से आई के लिए। देखो भाई कितना घना जंगल है, मतलब दिख नहीं रहा होगा बट बहुत घना जंगल है ये, और इस साइड में काफ़ी खुले खुले मैदान थे, छोटे छोटे मैदान, और ये देखो ब्यूटीफुल सा जंगल पूरा। रास्ता देख रहे हो कितना नीचे है मतलब, पर कोई बात ना, थोड़ा बहुत मतलब ठीक है। वहाँ से आए हम ऊपर से, उस चोटी पे थे हम लगभग, उस चोटी पे थे हम लगभग ना, यहाँ से ऊपर। हाँ वो री माँ दीवा का टेम्पल हो रहा उधर दिख रहा है। हाँ ये तप्पड़ काफ़ी अच्छा है यार, ये तप्पड़ मेरे को वैसे पसंद आया काफ़ी, यहाँ पे व्यूज भी अच्छे हैं दोपहर में ना, कभी पानी पूरी। काफ़ी लोगों को पसंद आया, काफ़ी लोगों को ये तप्पड़ पसंद आया, वैसे हमें ही नहीं बहुत लोगों को ये तप्पड़ पसंद आया। व्यूज देख रहे हो आगे के भाई साहब, व्यूज अच्छे हैं। अरुण कभी यहाँ पे दोपहर में टेंट उंट लगा के अपना 2-3 घंटा एंजॉय करने के लिए, ठीक है यहाँ पे है ना, एक बियर की पेटी पेटी तो कहाँ पर 2 बियर ला सकते हैं क्योंकि हम इतना ही पीते हैं, मतलब कभी कभार पीते हैं, और जब हम हाइक मारते हैं मतलब हम दोनों हार्ड वाली, तो कभी कभार खप जाती है, नॉट अ बिग डील। ओ माय गॉड, यहाँ पे फोटो का फ्रेम बहुत प्यारा है, यहाँ पे खींचते हैं फोटो। अरुण वहाँ पे खेत है, और इसके नीचे में ना कभी खरक हुआ करते थे, खरक बोले तो डाना छनी, और ये रोड मेरे को बहुत पसंद है, मतलब इस रोड पे बहुत अच्छे व्यूज़ हैं यार, ब्यूटीफुल वाले व्यूज़ हैं। अभी हमें काफ़ी दूर और जाना है अपनी बाइक के सामने, ये सारी चोटियाँ हमने पार की, और फिर जाके हम सीधा उस वाली चोटी पे गए जो भी इस समय बिल्कुल सेंटर में दिख रही होगी, ये वाली चोटी। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, यहाँ से देखो नीचे, सीधा नीचे एकदम, और वैसे ये पहाड़ी ऊपर के लिए, खतरनाक वाली पहाड़ी है, बहुत अच्छा है ये वाला रास्ता, और ये जो है ना ये वाला मतलब इलाका, पीछे की देख रहे हो कितनी प्यारी पटरी, सनलाइट ब्यूटीफुल वाली, और जस्ट आगे पे हमारी गाड़ी, यहाँ पे हमारी गाड़ी है। मिलते हैं तो मैं बहुत जल्दी एक न्यू हाइक पे, एक न्यू एडवेंचर पे, कुछ भी हो सकता है नया जो हम मतलब करेंगे, कुछ भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, और बस अभी इसकी एक दो वो खींचनी फ़ोटो, ये पीछे से लाइट आ रही है ना सन की, तो फ़ोटो खींचते हैं, निकलते हैं गाइस, और बहुत जल्दी मिलते हैं। स्टे ट्यून, पीस आउट एंड चिल आउट गाइस, बाय।